तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने बनाई थी एप्लीकेशन वीडियो फॉर ज्वाइनिंग माइनक्राफ्ट इंजीनियर एसएमपी, और मैं इंजीनियर एसएमपी के लिए भी सिलेक्ट भी हो चुका हूँ। तो आज है मेरा एसएमपी में डे वन, और मेरे को बनानी है अपने लिए आयरन के टूल्स वगैरह, ताकि मैं थोड़ा सेफ रहूं, क्योंकि ये एसएमपी एक हार्ट सील एसएमपी है। हार्ट सील एसएमपी का मतलब ये होता है कि अगर कोई मुझे मारे तो वो मेरा हार्ट ले सकता है, और अगर मैं उसे मारूं तो मैं उसका हार्ट ले सकता हूं। मतलब ऐसा ऐसा होगा इस एसएमपी में। तो इसके लिए मुझे अभी शुरुआत में थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा, तो मैं अपने लिए थोड़े से बेसिक से टूल्स बना लेता हूं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, और ज्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी इंजीनियर एसएमपी में, और ये है हमारी इंजीनियर एसएमपी, और ये है उसका स्पॉन पॉइंट, और ये है एसएमपी का लोगो। और यहाँ पे बहुत लोगों ने पहले घर बना लिए, जैसे कि भाई घर वो देख सकते हैं सामने, एक घर वहाँ पे है, एक घर वहाँ पे है। मतलब बहुत लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है यहाँ पे, मैंने तो भी कुछ करा ही नहीं है, तो मेरे को भी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। चलो फिर हम बाहर चलते हैं, अपने लिए थोड़े से वो बनाते हैं टूल्स वगैरह, बेसिक टूल्स। भाई यार, पेड़ वेड़ कहाँ है आस पास, तो कहीं पेड़ ही नहीं है, ढूंढने पड़ेंगे लगता है। तो टूल्स बनाने से पहले और पेड़ काटने से पहले मेरे को भूख लग गई है, मेरे हंगर वगैरह आप देख सकते हो पूरी ख़त्म हो गई है, मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ। तो पहले मेरे को फूड ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ आसपास तो कोई शीप या जानवर या पिक कुछ है ही नहीं, तो मैं उधर सामने वाले घर से थोड़ा सा बस फूड की चोरी करने वाला हूँ। वही खाने के लिए तो मना नहीं करते किसी को, जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेयर्स बैंड। भाई बस फूड ले रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे हेबल थी, वहाँ से हेबल से अपने लिए ब्रेड बना लेते हैं। तो यहाँ से जल्दी तोड़ता हूँ मैं, तो वीट की मैं जल्दी से अपने लिए ब्रेड बना लेता हूँ, और इस घर में क्राफ्टिंग टेबल होगी, क्राफ्टिंग टेबल का यूज़ करके अपने लिए ब्रेड बना लेता हूँ। भाई इस घर से मैं कुछ चुरा नहीं रहा, बस हेबल लिए खाना बना के निकल रहा हूँ। हेबल से वीट बनाया, और वीट से अब मैं अपने लिए ब्रेड बनाऊँगा। अरे ये क्या बन रहा है, हाँ ब्रेड बनाऊँगा। कितने बन जाएंगे इससे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है 11 बन गए। हटा रहा हूँ मैं, भाई जिसका भी करो माफ़ कर देना, बस एक ब्रेड ले रहा हूँ, बाकी कुछ चेस वैसे आपका सामान नहीं चुराया मैंने। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, अब ट्री तोड़ता हूँ जल्दी जल्दी, अपने लिए बेसिक से टूल्स बनाता हूँ, और माइनिंग पे चलते हैं जल्दी जल्दी। वो अब ट्री कहाँ पर मिलेंगे, थैंक यू भाई। वो जो सामने घर है ना, उस घर के बैक साइड में होंगे साइड ट्री, जल्दी जल्दी वहाँ से चलते हैं, ट्री तोड़ते हैं, और फिर वुड्स लेके अपने लिए टूल्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ से अपने लिए ट्री लूंगा, टूल्स बनाऊंगा। अरे यहाँ पे तो पीले जा रहे हैं, मेरे पे कोई टूल्स भी नहीं है, भागो रन। मैं वहाँ से भाग के यहाँ पे आ चुका हूँ विलेज में, और यहाँ से मैं ये वाले पेड़ तोड़ लेता हूँ, उधर तो खतरा है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से पेड़ तोड़ता हूँ, और अपने लिए टूल्स बनाता हूँ। अब यहाँ से बाहर चल के जल्दी से अपने लिए टूल्स बनाते हैं, और वुड से क्राफ्टिंग टेबल बना के, ताकि मैं थोड़े से अपने लिए स्टोन्स और आयरन माइन कर सकूँ, थोड़ा मैं आगे जाऊँ, और मतलब और भी चीज़ें माइन करूँ। अरे अरे यहाँ पे कहाँ के, यहाँ अभी गिनना था तेरे को। अब यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको सीधा मिलता हूँ बाहर निकलने के बाद। A few moments later. तो गाइस फाइनली इतने देर बाद मैं बाहर आ चुका हूँ। अब मैं अपने लिए प्लैंक्स बनाऊँगा, और फिर इसकी क्राफ्टिंग टेबल बना के अपने टूल्स बना लूँगा, ताकि मैं थोड़ा स्टोन माइन कर सकूँ और अपने टूल्स को अपडेट कर लूँ। तो प्लैंक्स मैंने बना लिए हैं अपने, इसके क्राफ्टिंग टेबल बना के मैं जल्दी से एक अपने लिए पिकैक्स और एक एक्स बनाता हूँ, ताकि मैं अपने लिए स्टोन माइन कर सकूँ, और एक्स इसलिए कि कोई जॉम्बी वॉम्बी वगैरह मिले तो कैब मैं उसे मार दूँ मैं। तो जल्दी जल्दी अपनी एक्स मैंने बना लिया, ये पिकैक्स भी मेरी बन गई, क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आसपास में एक केव देखी थी, वहाँ से जाके अपने लिए पहले मैं स्टोन ले लेता हूँ थोड़े बहुत, ताकि मैं अपडेट कर सकूँ अपने टूल्स को। और वो केव कहाँ गई, यहीं पे तो थी, हाँ वो थी सामने, वहाँ से स्टोन और हाँ फर्नेस भी बनाने हैं मेरे को अपने, वो फूड पकाने के लिए। तो मैं नीचे कहाँ से जाऊँ, उधर से जाता हूँ, यहाँ से डैमेज मिल जाएगा वरना। तो यहाँ से अपने स्टोन ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो इतना कोबल स्टोन काफ़ी होगा मेरे लिए, बस मेरे को अपने लिए वो बना रहे हैं टूल्स थोड़े से। तो मैंने पिकैक्स बना ली अपनी, मैं क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ, और सामने से आके ना थोड़ा और माइंड करते, क्या पता हमें आयरन या कोल वगैरह कुछ मिल जाए तो सही है। थोड़ा नीचे नीचे जाता हूँ मैं केव में, और अंधेरा काफ़ी है यहाँ पे, तो बहुत कुछ दिख नहीं। अरे यहाँ पे है कोल, यहाँ से कोल ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं। तो माइनिंग करके मैं आ चुका हूँ बाहर, अब मेरे को थोड़ा सा अपने लिए खाना जमा करना है। तो सामने मेरे को एक पिक दिख रहा है,
बिग भाई सुन सुन भाई सुन ना, हेलो सुन सुन सुन, देख मेरी तरफ देख, अरे मेरी तरफ देख ना, देख तो सुन ना, सुन नहीं सुनेगा ना, अब गया तू, चल निकल। हाँ तो और भी यहाँ पे पिग होंगे शायद, पर ना रात हो गई, पहले मैं सुबह कर देता हूँ इससे पहले कि ज़ॉम्बी वॉम्बी आके मेरे को मार दे, फिर मेरा सामान वामान चला जाएगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। चलो सो जाते हैं, फिर मैं घर में जाके सो जाता हूँ, बेड तो है नहीं मेरे पे अभी फ़िलहाल। तो गाइस सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा मतलब है कि माइनक्राफ्ट में सुबह हो चुकी है। तो मेरा गोल है केव ढूंढने का, और ये वाली केव नहीं, इस केव में नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ सीधा नीचे जाके ऐसे डिक करूँ और अपने लिए आयरन वायरन फाइंड करूँ, ताकि मैं थोड़ा टूल्स और आर्मर बना सकूँ। तो एक बढ़िया सी जगह ढूँढता हूँ जहाँ के मैं सीधे जाऊँ नीचे को ऐसे डिक करते हुए। तो आई थिंक ये जगह ठीक होगी, यहीं से नीचे को चलते हैं पहले हम। तो मैं ऐसे ये डर चढ़ा दूँ पहले, फिर मैं आपको सीधा मिलता हूँ नीचे जाके। मस्ती में मगन। तो गाइस फाइनली इतना ज्यादा माइंड करने के बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे को लैपिस मिली है, आयरन मिला नहीं अभी तक, तो लैपिस ही ले लेते हैं, क्योंकि लैपिस इंचांटमेंट के काम आएगी, हमें कुछ टूल्स आयरन वगैरह इंचांट करना है। और वहाँ पे भी एक वाले भी ले लेता हूँ जल्दी से, फिर और माइनिंग पे चलते हैं, क्योंकि आयरन जल्दी जल्दी फाइंड नहीं करना है हमें। चलो फिर जब मैं सीधा आपको मिलता हूँ जब मेरे को आयरन मिलेगा। चलो भाई पहले मैं टॉर्च उधर को लगा देता हूँ और फिर माइनिंग स्टार्ट करते हैं। चलो 1 2 3 स्टार्ट। लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ, बाबर साथी मस्ती में मगन। तो गाइस फाइनली इतना माइन करने के बाद मेरे को आयरन मिल चुका है, यहाँ पे केव मिली थी, यहीं पे बहुत सारा आयरन मिला है मेरे को, जल्दी जल्दी माइन करता हूँ मैं इससे पहले कि जॉम भी आ जाए, क्योंकि ये केव है भाई, ये बहुत अंधेरा है और टॉर्च भी कम है मेरे पास, और भी शायद यहाँ पे होगा आयरन इस साइड तो पता नहीं, चलो ऊपर जाके देखते हैं, क्या पता ऊपर जाके मेरे को और आयरन, क्या पता डायमंड भी मिल जाए। ज़ॉम्बियों की तो आवाज़ भी आ रही है भाई यहाँ पे, ज़ॉम्बी वाह नाम लिया और हाजिर हो गए भाई, भागो यहाँ से जल्दी सब। तो मैं अंदर ही यहीं पे देखता हूँ, क्या पता यहाँ पे भी मैंने कोई आयरन छोड़ दिया, डायमंड तो अभी मिला ही नहीं है। कहाँ से आया था मैं, तो जैसे तो मैं आया था, अब यहाँ पे बैठ के जल्दी जल्दी फूड खा लेता हूँ, थोड़ी हेल्थ बढ़ाते हैं, फिर बाहर चलते हैं और आयरन माइन करते हैं। इस साइड तो देखो देख लिया मैंने, इस साइड जाके देखता हूँ यहाँ पे होगा आयरन, मैं सही सच्ची कह रहा हूँ। कोल है, देखो मैंने बोला था ना आयरन होगा यहाँ पे, मेरे को बहुत सारा आयरन मिल गया है, अभी से भी माइन कर लेता हूँ जल्दी से। थोड़ा और फाइंड करते हैं, क्या पता है यहाँ पे और आयरन मिल जाए हमें, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा फिलहाल, थोड़ा और अंदर जाके देखता हूँ, नहीं तो के भी ख़त्म हो गए, अभी इससे ज़्यादा आगे मैं जाऊँगा नहीं अभी, क्योंकि मेरे फूड की कमी है, पहले बाहर से फूड लेके आते हैं। तो मैं अभी बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरे को पिक दे रहा है, उनको मारते हैं। तो गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का अपना आयरन का आर्मर बना लूँगा, और हमें एक घर भी बनाना है उसमें रहने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने पहले घर बना लिया, और आज मैंने कुछ इतना सामान कलेक्ट कर लिया है, 15 आयरन हो गए मेरे पे और लैपिस वगैरह हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से लोगों के पास शेयर कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।